चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो अभी तक हम लोग कक्षा 9वीं तक की, कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक की पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद कक्षा 10वीं की हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति सेकेंड के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें एक चैप्टर आपका खत्म कर चुके हैं, सत्ता की साझेदारी। ये आपका दूसरा चैप्टर है। याद रखिए आप लोग, अगर आप सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो समय रहते हुए एनसीईआरटी बुक्स को एक से दो बार आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है जो आपको समझ में ना आए। अगर आप बेहतर तरीके से एक दो बार पढ़ते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। आपको किसी की मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक कहानी का रूप दे दिया गया, वो बड़ी या बहुत सरल शब्दों में समझाया गया है। इससे क्या होगा कि आपका बहुत अच्छा बेस मजबूत हो जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो समय रहते हुए इसे पढ़ लें। संघवाद। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे की इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में हम भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति के विश्लेषण का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी कि स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे, पंचायतों की। वैसे तो मैं कहता हूं कि जो भी इंडिया में रहता है, भारतीय है, उन सबको जानना चाहिए राजनीति के बारे में। अब सोचिए, आपको पता ही ना हो कि आपके राजनेता क्या है, आप क्या आप वोट दे रहे हैं, वो उसका काम क्या है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको पता तो होना चाहिए। फिर तो वही है कि आप वोट देते रहिए, मालूम ही नहीं है कि किस लिए दे रहे हैं। तुम्हारे अब जब आपको पता ही नहीं है किस लिए दे रहे हैं, क्या होता है आपके वोट का, तो देने का मतलब क्या है? वो तो अपनी जेब भर लेंगे जो जीतेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? संघवाद क्या है, आइए एक बार पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से ही भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनके केंद्र द्वारा दिए गए थे। इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार भी दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था का सीधा सा आप मतलब ले लीजिए कि एक ही सरकार, केंद्र सरकार। आपके यहाँ राज्य सरकार ना होती तो आप भी कह देते कि एकात्मक शासन है हमारे यहाँ, क्योंकि आप देखते हैं राज्यों के पास भी कई तरह की पावर है आपके यहाँ, तो आपके यहाँ संघात्मक यानी कि सब जोड़कर चलते हैं, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुसांगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय मत के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं, जो शासन के दिनों दिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इस दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तरों पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने
स्तर पर लोगों को जवाबदेही होती है। एक बात आप लोग समझिए, क्या समझना है आपको कि आपकी संघ तीन सूची होती है, आपके सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां दी गई है, एक संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। आप समझ रहे हैं, राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाना, उनकी देखभाल करना राज्य सरकार का काम। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और जो संवर्ती सूची होती है इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब अगर विरोध होता है दोनों के कानूनों में तो आपके केंद्र सरकार के कानून को महत्व दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्यों के पास अपने विषय तो हैं कुछ, या हमारे यहाँ कम से कम सुविधा तो है राज्यों के पास कि उनके अंडर में जो विषय हैं उन पर वो कानून बना सकती है निष्पक्ष, किसी के बिना डर के, ठीक है। लेकिन जब एक ही सरकार होती है आपकी केंद्र सरकार, तो इस तरह के विषय भी बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या करते लोग कि अपना एक एक ही सरकार रहती तो वो किसी को भी किसी पर भी कानून बना सकती थी, किसी की उसमें भी दखलंदाजी की जरूरत ना पड़ती। ये आप देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका एशिया है पूरा, रूस देखिए, रूस और कुछ ऐसे देश हैं जो एशिया में भी पड़ते हैं और यूरोप में भी, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका दक्षिण अमेरिका हो, सॉरी अफ्रीका हो गया, ये दक्षिण अफ्रीका, ये संघीय राजनीतिक है। ये क्या है, ये रेड कलर में दिख रहा है, यहाँ संघीय मतलब डबल व्यवस्था है, राज्य भी है, स्थानीय है और आपकी केंद्र भी है। और देखिए चीन हो गया, समझ रहे हैं आप लोग, चीन और कई जर्मनी के पास देख लीजिए, ऑस्ट्रिया, बेस्निया, हर्जेनिया, नाइजीरिया, सॉरी इथोपिया से देख रहे हैं कई देश, मतलब इनमें आपकी केंद्र केवल क्या है, केंद्र सरकार है केवल, भारत के पास संघ सरकार है। यहां आप देख रहे होंगे संयुक्त अरब अमीरात में देख सकते हैं आप लोग, केवल एकात्मक शासन है, मतलब एक ही आदमी, सीधा सा मतलब ये ले लीजिए, इसे अपने परिवार से भी जोड़कर आप लोग समझ सकते हैं कि आपके परिवार में एक आदमी की चलती हो तो एकात्मक शासन हो गया, कि एक ही फैसला ले रहा है ना एक ही आदमी। और आप सोचिए कि आपके परिवार में सबको एक एक काम बांट दिया जाए कि तुम्हारे पास एक काम हो, इस पर तुम पूरा निर्णय ले सकते हो, इस पर तुम हमारी सहायता कर सकते हो, जुड़ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये आपका मतलब संघात्मक हो गया, यानी कि सब लोग जुड़ गए उसमें, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। हालांकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। क्या आप इस मानचित्र में इस नियम का एक बात ढूंढ सकते हैं? एक बात और बोलूंगा यह मैं, क्या आपको पता है कि अगर आपकी संघ सरकार है यानी कि आपके पास ऑप्शन है तो आप बेहतर तरीके से आपके मानव अधिकारों का भी संरक्षण यानी कि सुरक्षा मिलती रहती है। अब चाइना को ले लीजिए, ये कहा जाता है कि चाइना में कोई आवाज भी नहीं उठा सकता है, स्वतंत्र मीडिया भी नहीं है, मतलब अगर गलत हो रहा है जनता के साथ तो वहां कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है, और वहां एक ही पार्टी है, तो आप वोट किसे देंगे, दो या ना दो वोट क्या फर्क पड़ रहा है, जीतनी तो एक ही पार्टी को है ना। अब एक ही उम्मीदवार आपका आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहा है क्षेत्र से, उसकी जीत तो क्लियर है ना, आप वोट दो या ना दो, यही व्यवस्था है आपके चाइना पड़ोसी की। लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं कि दो तीन तीन आपको मिल जाएंगे ऑप्शन में, तो आप बेहतर तरीके से अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि किसे आपको वोट देना है। ये दक्षिण अफ्रीका वही है जहां हमारे गांधी जी कुछ समय के लिए रुके हुए थे, ठीक है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें, ये विशेषताएं आप लोग बेहतर तरीके से याद रख लिया करिए, क्यों, इसीलिए तो आपसे बोला जा रहा है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि जब आंसर ठीक है प्री तो निकल जाए आपका किसी भी तरह से, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो एक प्रभावशाली आंसर लिखा होना चाहिए आपका, तभी आपको नंबर ही मिलेंगे और बेहतर नंबर उसमें स्कोर पर कर पाएंगे आप। संघीय व्यवस्था की अगर विशेषताओं की बात करें तो यह सरकार दो या फिर अधिक स्तरों वाली होती है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है।
विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी की और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेली नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकती है। आप देखता होगा आपने कि अगर आपके यहाँ कोई संविधान में बदलाव करना है तो आप राज्य सरकार की भी सहमति चाहिए होती है उसमें, और केंद्र सरकार की चाहिए होती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति चाहिए होती है। तो आप समझ सकते हैं, एक मतलब संविधान में संशोधन करना भी बहुत मुश्किल का काम है। आप सोच सकते हैं इसकी जगह अगर केंद्र सरकार के पास ही सभी शक्तियां होती, तो जब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी वो अपने हिसाब से बदलाव कर लेगी, बीजेपी आएगी वो अपने हिसाब से बदलाव कर लेगी, यही होता रहता। इसलिए बहुत पेचीदा है हमारे यहाँ, समझ रहे हैं आप लोग, कि अगर दोनों में आपको चाहिए, राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए और केंद्र सरकार में भी बहुमत चाहिए, और कई मामलों में तो आप राज्य सरकारों की सहमति भी चाहिए, आधे से अधिक राज्यों को आपको साथ होना चाहिए, तब बदलाव किया जा सकता है। अदालतों को कुछ को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। और आपने देखा होगा, अगर आपके जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं अगर उनका हनन होता है तो आप भी तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आप लोग, आपकी सुरक्षा करेगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे हैं आप लोग। तो बहुत बेहतर तरीका, लोकतंत्र में हमें बहुत कुछ मिलता है, बस उसका सही से पालन हो रहा हो। अगर सही से पालन ना हो रहा हो तो लोकतंत्र का भी कोई मतलब नहीं रहता है। और लोकतंत्र जिस भी देश में हो वहां की जनता को जागरूक होना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं इसे। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए, इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में दो पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। आपको पता होगा कि आपके अगर गांधी जी कुछ सालों तक और जिंदा रहते हमारे भारत में रहते, क्योंकि आपने देखा है 1948 में उनकी हत्या हो जाती है, तो आपने देखा है 1993 में जाकर आपकी ग्राम पंचायतें जो स्थानीय पंचायतें थी उन्हें संविधान में जगह मिली 1993 में जाकर। अगर गांधी जी होते तो मुझे लगता है कि 1950 में ही इन्हें संविधानिक दर्जा मिल जाता और अभी तक बेहतर स्थिति में होती हैं, क्योंकि गांधी जी पंचायतों के हिमायती थे, मतलब वो चाहते थे कि पंचायत सिस्टम भी हो। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ ही आकार संघ बनाने के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र सरकार केंद्र के वर्कस ज्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों के गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके इनके उदाहरण है। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों की वर्कस केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है, यानी कि कह सकते हैं आप लोग केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर होती है, वे राज्यों के पास कम होती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि
पूर्वी जो आपके राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इस तरह के प्रावधान की बात की जा रही है। यहाँ के जो राज्यपाल होंगे उन्हें भी अधिक शक्तियां दी जाएंगी सामान्य तौर पर। एक बात वैसे भी आप याद रखिए कि आपके अगर पास आपके यहाँ देश में राज्यों को हम लोग अधिक पावर दे देते, तो आप सोचिए कई देश बन गए होते भारत में। पश्चिम बंगाल कहता कि हमें अलग होना है भारत से, जम्मू कश्मीर कहता कि अलग होना है हमें। आप देखते हैं दक्षिण भारत है, उसमें भी कई राज्य अपना झंडे की मांग करने लगते हैं। अगर उन्हें ज्यादा पावर दे दी जाती तो वो अलग होने की ख्वाब देखने लगते, और वो भी सकते थे। अधिकार क्षेत्र की अगर बात करें, एक शब्द यहाँ आया हुआ है, अधिकार क्षेत्र। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है, अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे हैं, उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार थी। खागराज, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। यानी कि आरक्षित करने का मतलब यह है कि आपने देखा है ST के लिए इतनी है, ST के लिए इतनी है, महिलाओं के लिए इतनी है, इसी की बात कर रहा हूँ। मीता, हमारे देश में कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या जरूरत है। बाबूलाल, मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। राम गणेश, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है। इनमें से कितने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है। यहाँ आपका सीधा सा मतलब है कि आप देख सकते हैं कि राज्य सरकारों को और जो आपके स्थानीय हो, देखिए शक्ति का बंटवारा तो होना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार हमेशा आपके पक्ष में नहीं रहेगी। केंद्र सरकार कई जगह ऐसे भी फैसले ले लेती है जो जनता के हित में नहीं होते, तो राज्य सरकारों का महत्व तो रहना चाहिए और स्थानीय पंचायतों का महत्व रहना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि केंद्र सरकार में जो आपके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो बिल्कुल निचले स्तर की समस्या को कैसे जान सकते हैं। अगर आप समझिए कि आपको अगर गरीबी हटाना है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करनी है, तो आपको निचली पंचायतों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां की स्थिति से बेहतर आपसे जानते हैं। समझ रहे हैं? तो जरूरत है। नेपाल हमारा पड़ोसी है और काफी हद तक हमारी संस्कृति मिलती जुलती है। कई आपने देखे शादी भी होती है नेपाल की भारत में, भारत से नेपाल में। और वैसे भी आप देखते हैं कि राम का संबंध भी आप कहते हैं नेपाल से, भगवान राम का। समझ रहे हैं? नाम भी आपने कई देखे हैं कि भारत में वही नाम रखे जाते हैं, जैसे ही मीता, बाबूलाल, राम गणेश। अब बात करते हैं भारत में संघीय व्यवस्था की। हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती है। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाएं, धर्मों, क्षेत्र के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है। एक बात बोले आपसे कि वो जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो कई इतिहासकार थे, कई विदेशी भी थे, जो कह रहे थे कि भारत कुछ दिनों में बट जाएगा, कई हिस्सों में बट जाएगा, क्योंकि सबको भरोसा था कि हमारा देश बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। क्योंकि आप देख रहे थे कि जिस तरह से हमारे यहाँ ज्यादा कई धर्म है, कई समुदाय रहते हैं, तो सबको भरोसा था। लेकिन हम लोगों ने फिर भी सबको लेकर साथ चले और आज देखते हैं कि कोई बंटवारा नहीं हुआ है। आइए संविधान से शुरू करते हैं हम लोग। एक बहुत ही दुखद है और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ, क्योंकि आपने देखा है पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो किस तरह से मारकाट हुई, किस तरह से दंगे हुए। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया, इसमें संघ शब्द नहीं आया। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य सरकार,
केंद्र सरकार को पूरे भारत संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। वैसे पंचायतें आपकी 1959 से शुरू हो गई थी, आपने देखा है कि राजस्थान में पहले, सबसे पहले, लेकिन जो संविधान में दर्जा मिला हुआ है वो आपको 1993 में जाके मिला है, 92-93 में। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के भी विधायी अधिकारों की तीन हिस्से बांटे गए। ये तीन सूचियां हैं इस प्रकार, संघ सूची में आपका प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीतियों की जरूरत है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का। आप समझिए कि अगर राष्ट्रीय मामले में भी, अगर विदेशी मामलों में भी, अगर आप सोचिए कि राज्यों को शामिल कर लिया जाता तो हमें बहुत नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि कई राज्य ऐसे भी हैं जो आपके पाकिस्तान के, वहां की जनसंख्या पाकिस्तान के पक्ष में कभी बोलने लगती है, तो समझ रहे हैं। इसीलिए एक मतलब आप सोचिए कि एक बाप है घर में, तो विदेशी मामले यानी कि सभी क्या लेना है, किसे देना है, ये सभी बाप के पास रहते हैं, और उसके बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो उनके बेटे संभालते रहते हैं। आप सोचिए कि बाप की जगह अगर बेटे को दे दी जाए तो ऐसा नहीं है कि बेटे बाप का ही काम कर सकते हैं, क्योंकि कई भाई हैं आपके, आप सोच सकते हैं कि सबकी एक जैसी राय नहीं है। तो इसलिए विदेशी मामले और प्रतिरक्षा और बैंकिंग और संचार मुद्रा जिस तरह के मामले आपकी संघ सूची में रखे गए हैं, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, इसका क्रियान्वयन करती है। दूसरी राज्य सूची, इसमें पुलिस व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। आप समझ सकते हैं कृषि, सिंचाई, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, ये सभी निचले स्तर के काम है। अब आप समझ सकते हैं कि वहां केंद्र सरकार आकर आपके यहाँ की कृषि सिंचाई के बारे में बेहतर नहीं जान सकती है, इसलिए स्थानीय यानी कि पंचायतों को, राज्य सरकारों को इसमें शामिल किया गया है। एक आता है आपका संवर्ती सूची, इसमें शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। यहाँ एक बात आप लोग याद रखिए, हर बार बोल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी इसलिए दी जाती है सलाह पढ़ने की, क्योंकि जो भी विषय है इस तरह के प्रीलिम्स में भी कई बार, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, पूछ लेता है, दो चार दे देगा ऑप्शन में, पूछेगा इनमें से कौन कौन से आपके राज्य सूची के विषय है, केंद्र सूची के विषय है, संघ सूची, तो आप लोगों को इसलिए भी एक बेस बन जाता है नॉर्मल तरीके से। आगे आप लोग स्पेशल यानी कि जो टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोग कम से कम एक से दो बार एनसीईआरटी को पढ़ लें, उसके बाद अगर टाइम है तो आप पढ़ते रहें टाइम टाइम से। एनसीईआरटी प्लस स्पेशल एक बुक, जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ ली पॉलिटी की, उसके बाद आप एक लक्ष्मीकांत ले लीजिए, बस इतना बहुत है आपके लिए। अब आप 50 बुक्स मत इकट्ठा करिए, 50 जगह से नोट्स मत ले आइए, और नोट्स का बेहतर तरीका बता चुका हूं कि आपको खुद नोट्स बनाने हैं। किसी के नोट्स से आज तक ना तो कोई सफल हुआ है ना ही हो पाओगे, तो आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, ठीक है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों दोनों को है। संवर्ती सूची की बात कर रहा हूं, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होता है, यानी कि इसमें कह सकते हैं केंद्र को महत्व दिया जाता है, केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं। यह एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते हैं उनका क्या होता है, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे हैं, क्योंकि वे संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बच्चे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अब जितने भी विषय जुड़ते जाएंगे ये सभी आपके केंद्र सरकार के क्षेत्र में आएंगे। हमने ऊपर देखा है कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा भी प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान था, एक शब्द याद था बोला मैंने, क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरह से 5 अगस्त 2019 में आपका जम्मू कश्मीर से 370
हटा दिया गया, और जो विशेष राज्य का दर्जा इसे मिला हुआ था उसे खत्म कर दिया गया। विशेष राज्य का ये मतलब था कि यहाँ के संविधान अलग कहते थे, या आपने देखा है कि कोई शादी करती तो उसे नागरिकता में भी प्रावधान रहता था। यहाँ जो नौकरियां थी वहीं के लोगों के लिए थी, जमीन यहाँ कोई नहीं खरीदता रहता था। तो अब आपका प्रावधान हो गया है 2020 यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से, कि जो वो सभी प्रावधान जो अन्य राज्यों में लागू होते वही आपके जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। तो याद रखिए आपका 2019 से जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा जो मिला हुआ था खत्म कर दिया गया। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान की कई प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था। याद रखिए इसे दो भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख दूसरा जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। अब सीटें क्या रहेंगी उसके बारे में हम लोग जब इसका नए आंकड़े आएंगे उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी चुनाव नहीं हुए, चुनाव होंगे उसके बाद ही हम लोग पता कर चलेगा। मैं इस राज्य के स्थानीय निवासी को अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता था। असल में भारत के कई अन्य विदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान दिए गए। बात आपने 371 सुना होगा, इसमें पूर्वी राज्यों के लिए मिले हुए हैं, इसमें विशेष प्रावधान किए गए थे। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत कम ही अधिकार हैं, ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं मिले हुए। आप देख सकते हैं कि पुलिस मामले में यहाँ की मतलब केंद्र सरकार के पास के हाथ में रहती है यहाँ की पुलिस, केंद्र शासित प्रदेशों की। यहाँ अपने अधिकार कम ही दिए गए हैं बाकी राज्यों से। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे में किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों कि मैं 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना चाहिए, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में उसे मंजूर करवाना होता है। वो ये इतना आसान नहीं है। आप समझ रहे हैं कि 1965 वाली स्थिति, वो 1960 जब हम आजाद हुए उस समय ये संभव था, लेकिन अब संभव नहीं है। क्योंकि आपने देखा है 16-17वीं लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, लेकिन उससे पहले आप देखते थे गठबंधन की सरकारें रहती थी, तो बहुत मुश्किल होता था इस तरह के बिल पास करवाना। संविधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार दिए गए हैं, और इसी के बंटवारे के लिए, इसी से संबंधित निर्णय लेने के लिए आपका वित्त आयोग आया हुआ था। आकाशवाणी पर एक हफ्ते तक एक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुने, सरकारी नीतियों फैसलों से जुड़ी खबरों में सूची बनाए। छोड़िए, पोखरण जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? याद रखिए अगर आप केंद्र सरकार से ज्यादा अगर अधिकार मिले होते राज्य सरकार को तो बिल्कुल रोक सकती थी, लेकिन आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति है, और जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं वो केंद्रीय सरकार निपटाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि पाकिस्तान लगा हुआ है आपके पंजाब से, राजस्थान और गुजरात से, तो ये सभी राज्य पाकिस्तान से संबंध बनाने लगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मान लें कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती है। मान लें केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकारों को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, यानी कि दोनों हो सकते हैं। तो वैसे आप देखते हैं कि आपके यहाँ एक CBSE है यानी कि केंद्रीय पढ़ाई होती है, जिसमें आप देखते हैं NCERT पढ़ी जाती है,
एक आपका एमपी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, इस तरह से स्थानीय मामले भी रहते हैं, तो इसमें दोनों हो सकते हैं। मान लें कि नक्सलवादियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है, क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? हाँ, हो सकता है ऐसा। ठीक है, याद रखिए। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था के काम का कारगर कामकाज के लिए संविधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही नहीं, पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संविधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था का सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनमें पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। इससे पहले हम लोग एक बार मैप देख लीजिए आप लोग। ये आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, ये आपका अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पाकिस्तान संपूर्ण, इसमें सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, बंगाल, बेहतर भाग। पहले आप याद रखिए कि जो आपका बांग्लादेश हुआ करता था ये पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 में जाकर इसे आजाद करवा दिया गया है, तो ये आपका बांग्लादेश बन चुका है। ये आपके बाकी देश हो गए। नेपाल आपका पड़ोसी हो गया, तिब्बत। एक बात हमेशा याद रखिए कि चीन की सीमा हमसे नहीं लगती थी, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन तिब्बत को जब से चीन ने हड़प लिया है तब से चीन से हमारी सीमा साझा करने लगी है। यहाँ आपका बर्मा है जिसे म्यांमार कहते हैं आप लोग, बंगाल की खाड़ी, ये आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हो गई, देख रही होंगी। ये आपका भारतीय देश राज्यों में, भारतीय राज्यों में, ठीक है। हैदराबाद, उड़ीसा, मध्य भारत जिसे आप लोग मध्य प्रदेश कहते हैं, ये पुराने नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राय पर अपनी स्वतंत्र जीवन यात्रा शुरू की, क्योंकि हम 1947 में ही आजाद हुए। उस वक्त लेकर सन 2017 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बार की आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं और क्षेत्र नाम बदल दिए गए हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नताओं को रेखांकित करने, उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें आपका नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य हो गए। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। इसमें प्रशासन भी बहुत पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया है, ये आप देख रहे हैं। ये आपका नया मानचित्र है, इसमें आप जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया है, यहाँ लद्दाख, इस तरफ आपका जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पहले मध्य भारत कहा करते थे इसे आप लोग, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, देख रहे हैं, बिहार देख ही लिया, ये आपका असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये वही अरुणाचल प्रदेश है जिस पर चीन अपना दावा ठोकता रहता है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, ये सभी राज्य। इनके लिए बेहतर यही है कि आप, मैंने मैप्स जो पढ़ाया था मानचित्र इसका, उसमें भारत को भी काफी हद तक कवर किया हुआ था, और जितना छूटा है उसे भी हम कवर करवा देंगे कुछ दिनों में, टाइम मिलने दीजिए। तो
मेरा मानना है कि आप भूगोल को पढ़ने की बजाय मैप्स को का सहारा लेकर पढ़ें, तो क्योंकि बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर भी बेहतर तरीके से दे सकते हैं आपको। क्योंकि एक क्या रहता है कि मैप्स का हम सहारा ले लेते हैं तो हमें चीजें याद बनी रहती हैं और भूलते भी नहीं हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं भारत भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। याद रखिए, आप सोचें कि हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है, नहीं, इसे राष्ट्रभाषा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा आपकी 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी कि आप कहते हैं कि 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं हैं, तो उसमें से हिंदी भी है और बाकी 21 है। केंद्र सरकार किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भाषा में परीक्षा दे सकता है। आप इनमें से 21-22 भाषाओं में से चुन सकते हैं अपने हिसाब से, बशर्ते उम्मीदवार इसका विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषा है, राज्य अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषाओं में ही करते हैं, और करना भी जरूरी है क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आप अगर रह रहे हैं वहां तो आपको मालूम तो होना चाहिए आपकी भाषा। तेलुगु भाषी में रह रहे हैं, आपको तेलुगु आनी तो चाहिए। अगर आप सोचें हिंदी में वहां कोई भी पत्र जारी किया जाता है सरकार की तरफ से, कुछ सूचनाएं दी जाती हैं, तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए स्थानीय भाषा में कहा जाता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद होना चाहिए, पर अनेक गैर हिंदी भाषी विदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए क्योंकि उनके लिए सुविधा थी। तमिलनाडु में तो इस बात मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया, और अभी भी आप देखते हैं कि जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात की जाती है तो कई जगह आंदोलन भी होने लगते हैं दक्षिण भारत पर। ठीक है, अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच चुके हैं, गृह युद्ध से भी बच चुके हैं हम लोग। यहाँ एक आपका शब्द है गठबंधन सरकार। एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल एक दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले आपने देखा, अभी भी आप देखते हैं कि एनडीए, एनडीए का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी इसमें शामिल है, बीजेपी के जो सहयोगी दल है उसे हम लोग मिलाकर कह देते हैं एनडीए। यूपीए मतलब कांग्रेस का मतलब नहीं है, इसके सहयोगी जो दल है उसे मिलाकर आप लोग यूपीए कह देते हैं। आगे केंद्र राज्य संबंधों की अगर बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का एक उदाहरण बताता है व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संविधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासन दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन हुआ करता है, जिससे आप देख सकते हैं वो कांग्रेस। एक काफी समय तक आपने देखा है कि राज्यों में भी इन्हीं का अधिकार था और केंद्र में भी। याद रखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो कई नेताओं ने कहा कि एक ही पार्टी होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो आपके गांधी जी थे इनका इस पर सहमति नहीं थी। वो चाहते थे कि अनेक पार्टियां हों, अनेक पार्टियां होंगी, एक से ज्यादा पार्टियां होंगी तो आपके पास जनता के पास ऑप्शन होगा और भ्रष्ट भी नहीं होगी। अब एक ही पार्टी होती है तो क्या होता है कि भ्रष्ट भी हो जाती है, भ्रष्टाचार करने लगती है, उसके ऊपर उस पर कार्यवाही करना मुश्किल रहता है। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है। जब केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की है। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संविधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम करता है।
मेरा कहना है कि मतलब आप समझ रहे होंगे, जिस तरह से अभी भी आप देखते हैं कई राज्यों में बनी है कांग्रेस की पार्टी और बीजेपी ने तोड़ के बना ली अपनी, भंग करवा दी। या फिर आपने देखा है कि कई राज्यों में देखते हैं कि आप लोग वहां का चुनाव ही रद्द करवा दिया जाता है, दोबारा चुनाव होता है, भंग कर दी जाती है विधानसभा। और कई जगह देखते हैं बीजेपी की सरकार है, वहां कांग्रेस अपनी सरकार तोड़ मरोड़ के कर लेती है, इन्हीं की बात की जाती है सामान्यतः। यही होता था आपका 1980-85 से, यही होना लगा, समझ रहे हैं आप लोग। एक समय कांग्रेस भी यही काम किया करती थी, अब बीजेपी भी यही काम करने लगी है। 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी है, क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों को गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 100 सीटें, तो अगर किसी के पास 50-51 सीट नहीं है तो वो सरकार नहीं बना सकता है, और अगर 51 सीट नहीं होनी तो वो अपने सहयोगियों का भी सहारा लेगा, क्षेत्रीय पार्टियों का भी सहारा लेगा। तो यही गठबंधन होता है असल में। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी है। इन प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने से भी बल मिला है। इस फैसले के कारण राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना से ज्यादा प्रभावी है। राज्य कुछ और शक्तियां मांग रहे हैं, ये देखते रहते हैं आप लोग। राज्यों और केंद्र में बंटवारे की बात चलती रहती है। गठबंधन सरकार की कुर्सी देख रहे हैं, गठबंधन सरकार की ये सभी शामिल है, इनमें देख रहे होंगे आप चित्र में। भारत की भाषीय विविधता, अगर विविधता की बात करें तो भारत में कितनी भाषा है, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह से करते हैं। इस बारे में अधिक नवीनतम सूचनाएं यानी कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होता है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था, कितना 13, लेकिन संविधान में प्रावधान आपका 22 ही भाषाओं को मिला हुआ है, याद रखिए। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया गया, भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ दिया गया है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई, इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है, बाकी की गैर अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है। साथ ही लगी सूची को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीय की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ आपकी 44% से 44% लोगों की मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो 2011 में यह 50% से कम थी। जहां अंग्रेजी की बात करें तो सिर्फ 0.02% लोगों की इनकी अपनी मातृभाषा है। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर आपके 11% लोग इसे जानते हैं। इस सूची में गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन कामों को याद दीजिए। इस सूचना के आधार पर नई चार्ट बनाए ये देख सकते हैं आप लोग। क्या भारत की अनुसूचित भाषाएं, असमिया बोलने वालों की संख्या की बात करें तो 1.26%, बंगला 8.3%, बोडो 0.12%, डोगरी 0.21%, गुजराती 4.58%, हिंदी आपकी 43 यानी कि 44 लगभग प्रतिशत, कन्नड़ आपकी 3.61%, कश्मीरी आपकी 0.56%, कोंकणी ये आपकी 0.19%, मैथिली 1.12%, मलयालम 2.88%, मणिपुर 0.15%, मराठी 6.86%, नेपाली 0.24%, उड़िया 3.10%, और पंजाबी 2.74%, और संस्कृत वाले नगण्य यानी कि ना के बराबर, संथाली 0.61%, सिंधी 0.23%, तमिल 5.70%, तेलुगु 6.70%, और उर्दू आपकी उर्दू 4.19%, ये सभी लोग बोलने वाले हैं, ठीक है।
प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख के उद्धृत निम्नलिखित उद्धरण को पढ़ें। यह आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 को छपा हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। एक जानते हैं आप लोग कि 1 नवंबर 1956 को कई राज्यों का अस्तित्व भी आया हुआ है। आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, ये आपका 1 नवंबर क्यों ही गठन हुआ है। अपने दौर में और अपने तरीके से इस राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया गया था। गांधी जी और नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आजाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज भाषा, इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे। नेहरू पटेल राजाजी के मन में यह सवाल कौन रहा था। बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या फिर बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या फिर गुजराती भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। एक बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी कि आपकी जो कई बुक्स हैं एनसीईआरटी में, जैसे आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इसमें बड़ा पढ़ने में मजा आता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि कितना हम लोगों ने किस तरह से पढ़ा है। अब आप देखिए कि आपको पढ़ाते समय मुझे खुद मालूम नहीं रहा कि बैटरी लो हो चुकी है लैपटॉप की, इसलिए। लेकिन साइंस में बड़ा मतलब दिमाग बोरिंग होती है, क्योंकि अगर साइंस को भी अगर प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ रहे होते हम लोग तो मुझे लगता है कि बड़ा मजा आता। लेकिन क्या कर सकते हैं, संभव भी नहीं है आपके लिए ना मेरे लिए कि प्रैक्टिकल करके बता सकें, क्योंकि कितना प्रैक्टिकल करने में कितना क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा, आप खुद जानते हैं। तो साइंस के लिए एक ही करिए कि आप 1-2 बार पढ़िए और निकल जाइए, समझ रहे हैं, यही आपके लिए बेहतर है। ये विवाद सुखद तो नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु मराठी बगैर बोलने वाली बालों की भावनाओं का ख्याल ना रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है, एक भाषा 14-15 राष्ट्र, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं भारत में विकेंद्रीकरण। हमने अभी पढ़ा है कि संघीय सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है, यानी कि कहने का मतलब केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई और स्थानीय पंचायतें हो गई। कुछ भी कहिए, लॉकडाउन के समय इनने रेडियो वालों ने भी अच्छा आपका साथ दिया हुआ है, इनका भी बहुत योगदान है कि आपको घर से नहीं निकलना पड़ता है, घर के सामने ही आपकी सब्जी पहुंचा दी जाती है, समझ रहे हैं। हमने अपने देश में 2 स्तर वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता है। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है, समझ रहे हैं, हमारे रूस की, यानी कि आप समझिए कि पाकिस्तान से जनसंख्या, ऐसे कई देश हैं जिससे पाकिस्तान इस तरह के देश हैं जो हमारी जनसंख्या के राज्यों की जनसंख्या से भी उनकी कम जनसंख्या है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार राज्यों में भी सत्ता के को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें 3रा स्तर स्थानीय सरकारों का हो या प्रांतीय स्तर की सरकारों के नीचे हो। भारत में सत्ता की विकेंद्रीकरण के पीछे यह तर्क दिया गया कि इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकारों का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें 3रे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है, जब केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहता है, यानी कि सत्ता का बंटवारा एक तरह से कह सकते हैं। आप समझिए कि अगर तीनों सरकारों को जब बंटवारा हुआ है, ईमानदारी से काम करें तो
तो आपके देश की 90 से 95% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन आप देखते हैं पंचायत अपनी तरह से हाथ खींचता है, राज्य सरकारें अपनी तरफ से। आपने अटल बिहारी और राजीव गांधी का वक्तव्य सुना भी है कि 1 रुपया ऊपर से बेचता हूं तो 12 रुपये नीचे पहुंचते हैं, बीच में बाकी का ऐसा लोग अपने अपनी तरह से खींच लेते हैं, खा जाते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। यानी कि एक सीधा सा कहने का मतलब है कि आप पंचायत का यानी कि आपके एक सरपंच है तो उसे पता होगा ना कि आपके गांव की समस्या क्या है। अब आप सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री को आपकी समस्या या फिर सीएम मुख्यमंत्री को आपकी समस्या के बारे में पता हो, नहीं, आपके यहाँ जो स्थानीय नेता होगा उसे ही पता होगा कि आपके यहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं। अब उन नेताओं का काम रहता है, सरपंचों का काम रहता है कि वो अपनी समस्याओं को आगे भेजे, आपकी समस्याओं को। लेकिन अधिकतर सरपंचों की आप जानते हैं हालत क्या है, तो इसी से आप पिछड़े रह जाते हैं। लोगों के अपने इलाके की समस्याओं को की बेहतर समझ होती है इनमें। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका भी है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद से गांव और शहरों के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था और ना ही संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नापवत का हुआ था। अब वही हाल है कि आपसे कह दिया जाए कि आपको भी शक्ति है शासन चलाने की, आपके गांव चलाएं, और आपको धन ना दिया जाए, कुछ सुविधा ना दी जाए, तो आप कैसे चलाएंगे? ये तो अंग्रेजों के समय हुआ करता था कि जो भी आय के स्रोत हुआ करते थे वो अपने अंडर में ले लिया करते थे, और राजाओं से कह दिया जाता था कि जनता को आप संभालिए। अब जनता, राजा के पास धन ही ना हो तो जनता उसको कैसे संभालेगा? और इसमें बुराई किसकी होती थी? राजा बुरे बनते थे क्योंकि राजा शासन कर रहे हैं ना, लेकिन सारा धन तो लूट कर ले गए अंग्रेज। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को भी ज्यादा शक्तिशाली और प्रभाव भी बनाया गया। नगर पालिकाओं की बात की जा रही, नगर पंचायतों की और आपकी स्थानीय पंचायतों की। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संविधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित होती। यानी क्या सीधा सा मतलब है कि आप देखते हैं कि आपके यहाँ स्थानीय चुनाव जो भी होते हैं उसमें अनुसूचित जाति, ओबीसी, एसटी, इन सभी को कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं। कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित है इसमें। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। याद रखिए जो भी आपके पंचायत स्थानीय चुनाव होते हैं पंचायतों के, नगर पालिका के, ये आपके राज्य चुनाव आयोग जो है यही करवाता है। केंद्रीय चुनाव आयोग है ये नहीं करवाता, ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुनाव की करवाता है। ठीक, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। इसीलिए के लिए आप राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था की पंचायती यानी कि पंचायत राज के नाम से कहते हैं, जैसे आप लोग ग्राम पंचायत के नाम पर जानते हो। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है या एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या फिर सरपंच कहा जाता है। कई जगह आप सोचिए, कई जगह ये सरपंच का चुनाव होता है, डायरेक्ट होता है, समझ में आया कि जनता ही ने चुनती है। और कई ऐसे होते हैं कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहले क्या हुआ करता था कि एक तरह से आप इस तरह से ले सकते हैं कि सबने चुनाव लड़ा विधायकों ने, उन्हीं में से एक आपका मुख्यमंत्री बन जाता है या फिर विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो उसमें सरपंच, उनकी किसकी भागीदारी रहती है?
उन विधायकों की। आप समझिए कि डायरेक्ट अगर सीएम का यानी कि प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री का चुनाव करवा दिया जाता है, इसमें आपके विधायक शामिल ना रहते, तो ये हाल है आपकी पंचायतों का कि डायरेक्ट सरपंच चुना जाता है। कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है। ठीक है, इनका चुनाव गांव अथवा बाढ़ में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं, यानी कि जैसे वोट देने का 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति हो चुका है, जिसका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका है, वो इन्हें वोट दे सकते हैं। लेकिन इनका चुनाव लड़ने का, सरपंच का चुनाव लड़ने का 21 साल उम्र रखी गई है कि 21 साल में चुनाव लड़ने की उम्र, लेकिन वोट देने की 18 साल में। यह पूरी पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इससे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या फिर 3 बार बैठक करानी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या फिर प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत या समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन करते हैं। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी इसमें सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक विधान होता है। आप अपने यहाँ से इसे समझिए कि आपने देखा होगा आपके यहाँ जिला सदस्य चुने जाते हैं, उनके बाद जिला अध्यक्ष बनता है, ब्लॉक प्रमुख बनता है। आप सुनते हैं कि जनपद सदस्य के सदस्य चुने जाते हैं, उनको मिलाकर एक अध्यक्ष बन जाता है, उसे ही ब्लॉक प्रमुख कह देते हैं। तो इस तरह के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करते हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम होती है। नगर पालिका नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिकाओं के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का तक का सबसे सबसे बड़ा चुनाव बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की तुलना कुल आबादी से ज्यादा है। स्थानीय सरकारों को संविधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। मुझे यही समझ में नहीं आया कि एक पार्टी की अगर बात की जा रही थी 1947 में, तो एक तरह से आप समझ सकते थे कि लोकतंत्र खत्म हो जाता है, राजतंत्र मजबूत रहता हमारे यहाँ। क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपके अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाए, तो लोकतंत्र आप कैसे कह सकते हैं इसे यहाँ। तो लोकतंत्र के होने के लिए कई सब कारण जरूरी होते हैं। आपके अधिकार सुरक्षा मिले आपके अधिकारों को, आपको वोट देने का अधिकार हो, ऐसा नहीं कि आपके सामने एक ही ऑप्शन रख दिया जाए, आपको बोलने का अधिकार हो, आपको गलत का विरोध करने का अधिकार हो। लेकिन आजकल लोग कम ही गलत का विरोध करते हैं, समझ रहे हैं। इनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनका उनकी आवाज को मजबूत किया जाता है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम है। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़ी उत्साह में इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर भी है। यह आपके कुछ पॉइंट दिया गया, इसे देख लीजिए पैराग्राफ में। ब्राजील का एक प्रयोग। ब्राजील के शहर पोर्टो एलगे के मैन ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया। इस शहर के नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया और अपने शहर में के बारे में वास्तविक फैसले लेने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया। इस शहर में करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदार करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे ही जिन्हें हम लोग वार्ड करते हैं। हर उप क्षेत्र को अपनी अपनी बैठक होती है, जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह होता है। इसमें इस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती हैं और उनमें शहर का कोई नागरिक भाग ले सकता है। इनमें इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है और अंतिम फैसला लेती है। हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया है कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा, अब सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती हैं।
पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माण झुग्गी वाला बालों को एक उजाड़ नहीं सकते। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे ही प्रयोग किए गए। वहां आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी की है। आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो बेहतर तरीके से एक बार गूगल है आपके पास, सर्च करके देख भी लेना। शिक्षा के मामले में ले लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में ले लीजिए, शिक्षा या आपकी जीवनचर्या के बारे में, या फिर महिलाओं की स्थिति के बारे में, लोगों की स्थिति के बारे में, सभी राज्यों से बेहतर स्थिति है आपकी केरल की। देखते हैं आप लोग, लिंगानुपात अच्छा है, शिक्षा में सबसे ज्यादा आगे है, क्योंकि आपको पता है वहां जब हम लोग धर्म के नाम पर वोट, अंधभक्ति, आंख बंद करके वोट दे रहे थे, उस समय वहां स्थानीय लोग जो थे वो इसलिए लड़ रहे थे कि हमें शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, हमें प्रशिक्षण यानी कि रोजगार की जरूरत है, और वहां की सरकारों ने दिया गया है। आप समझिए कि वहां कांग्रेस सरकार को या बीजेपी सरकार को वोट नहीं दिया जाता है। जब भी स्थानीय सरकार यानी कि ऐसी सरकार बनती है वहां, राज्य सरकार की, जो लोगों का ख्याल रख सके। समझ में आया आपका? तो आप और गरीब की या किसी भी व्यक्ति की जरूरत क्या है? शिक्षा मिल जाए, उसे स्वास्थ्य मिल जाए, व्यवस्था हो जाए और रोजगार मिल जाए, वो खुद आगे बढ़ जाएगा। तो यही हुआ है आपका केरल में, ठीक है? बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करता है आपका केरल। ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी आप देख सकते हैं, ठीक है? और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड करते रहिए, और एक से दो बार उससे भी पढ़ ले आप लोग, अगर आपके पास टाइम है तो उससे भी आप पढ़ लें। इससे क्या होगा कि बेहतर तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये दूसरा चैप्टर था आपका। अब तीसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र और विविधता, यानी कि बहुत ही मजेदार चैप्टर रहेगा ये।